दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर, वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब जो लास्ट की दो वीडियोस थी उसमें हमने नी जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेसेस देखी, जिसमें फीमर और टिबिया के बारे में पढ़ा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज जो है हमें थर्ड जो आर्टिकुलर सरफेस है पटेला, अभी उसके बारे में पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है नी जॉइंट की थर्ड आर्टिकुलर सरफेस, दैट इज पटेला। पटेला के बारे में पढ़ना है। तो पटेला जो है सबसे पहले फ्लैट बोन होती है और ट्राइंगुलर बोन, और ये जो है इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप की होती है। इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस आगे की साइड, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस, और नीचे इंटीरियरली यहाँ पे अपेक्स पोर्शन होता है। अब यहाँ पे इसकी पोस्टीरियर सरफेस का डायग्राम बताया हुआ है। पटेला की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो एक वर्टिकल रिज की वजह से दो फैसेट्स में डिवाइड हो जाती है, एक लेटरल फैसेट, दूसरा मीडियल फैसेट। अब ये जो लेटरल फैसेट होता है उसकी कॉन्वेक्सिटी ज्यादा होती है। अब ये जो मीडियल फैसेट होता है वो फिर से डिवाइड होता है एक सेकेंड रिज की वजह से, और ये जो पोर्शन है एकदम जो बाहर की तरफ है वो ऑड फैसेट होता है। पूरा लेटरल साइड एक पोर्शन है उसे ऑड फैसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही सब दिया है कि पटेला इज फ्लैट ट्राइंगुलर बोन, इट हैज टू सरफेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड देयर इज अ अपेक्स विच इज लोकेटेड इंटीरियरली। पोस्टीरियर सरफेस, अब पोस्टीरियर सरफेस इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल रिज इनटू टू फैसेट, वन इज लेटरल फैसेट, सेकंड इज मीडियल फैसेट। लेटरल फैसेट इज मोर कॉन्वेक्स एज कंपेयर टू मीडियल फैसेट। अब यहाँ पे पटेला के पोस्टीरियर सरफेस दी है, ये उसका सुपीरियर पोर्शन है, ये लेटरल पोर्शन है, ये मीडियल और ये इंफीरियर। अब जब नी फ्लेक्शन होता है तो 20 डिग्री नी फ्लेक्शन में सिर्फ इतना पोर्शन जो है पटेला का वो फीमरल कॉन्डाइल के कांटेक्ट में आता है। जब फ्लेक्शन बढ़ता है तो 45 डिग्री तक जाता है, तो इतना पोर्शन जो है पटेला का वो जो है फीमरल कॉन्डाइल के कांटेक्ट में आता है। अब 90 डिग्री नी फ्लेक्स होगा तब इतना पोर्शन जो है पूरा पटेला का वो फीमरल कॉन्डाइल के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब उसके बाद 90 डिग्री के भी अबव अगर नी फ्लेक्शन होता है तो ये जो लेटरल पार्ट इतना पोर्शन बचा था वो जो है 135 डिग्री तक वो कांटेक्ट में आता है, मतलब तब पूरा पटेला जो है वो फीमरल कॉन्डाइल के कांटेक्ट में आएगा। तो ये था नी की आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में। पहले फीमर के बारे में देखा, फिर टिबिया के बारे में, और फिर पटेला के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में बता सकते हो, या तो कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। थैंक यू।